दोस्तों ये हमारे शहडोल के जमुआ के पास एक डंपिंग यार्ड नगर पालिका के द्वारा बनाया गया है, और यहाँ पे आप देखिए चारों तरफ से खुला है और चारों तरफ से आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे कब्रिस्तान है कोई। इस तरीके से यहाँ पे प्लास्टिक पॉलीथीन यहाँ पे इकट्ठा करके डंपिंग यार्ड बनाया गया है, और ये जितने भी निर्दोष गाय बैल कुत्ते यहाँ पे सब प्लास्टिक पॉलीथीन खाते हैं और बीमार पड़ते हैं। और लगभग सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे देखिए गाय बैल हैं, केवल एक दो नहीं है। तो बहुत ही बड़ी लापरवाही है हमारे शहडोल नगर पालिका की, और हम चाहेंगे कि शहडोल कलेक्टर, शहडोल कमिश्नर इसमें बहुत जल्दी कोई संज्ञान लें, और ये जो ये गाय बैलों के लिए, पशुओं के लिए ये जो कब्रिस्तान बना के रखा गया है खुले में, इसको जल्द से जल्द बंद करवाया जाए या कि चारों तरफ से फेंसिंग करवाई जाए जिससे गाय बैल ये डायरेक्ट प्लास्टिक और पॉलीथीन के संपर्क में ना पाए। देखिए दोस्तों, चारों तरफ बिल्कुल, ये इधर तरफ मेडिकल कॉलेज है और यहीं पे ऐसे ही फेंक दिया जाता है। ये बहुत ही बड़ी लापरवाही है। ये छोटा सा बच्चा है देखिए, और सबसे बड़ी चीज़ है कि कोरोना महामारी फैली है, और कोरोना महामारी के बीच में ये जितना अस्पताल का निकला हुआ कचरा है, ग्लव्स हैं, दवाइयां हैं, बॉटल हैं, इंजेक्शन है, नीडल्स हैं, ये सारी की सारी ये गाय बैल अगर खा लें और इनको अगर कोरोना हो जाए तो फिर कोरोना को भगवान भी आकर नहीं बचा सकते। इधर मेडिकल कॉलेज है और ये चारों तरफ देखिए खुला है बिल्कुल। बहुत ही बड़ी लापरवाही है, लेकिन बड़े ही शर्म की बात है कि हमारे शहर में इतने सारे गणमान्य लोग रहते हैं और कहने को अपने आप को हिंदू बताते हैं, इतने सारे लोग हैं, लेकिन कभी कोई, सबको पता है कि यहाँ पे ये सब होता है, इतनी बुरी स्थिति है, उसके बाद भी यहाँ पे इस तरीके का काम हो रहा है। देखिए जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, पानी की व्यवस्था भी थोड़ा बहुत है, तो उसके आसपास भी कितना ज़्यादा कचरा यहाँ पर फैला हुआ है, और साथ ही बीमार होने के लिए यहाँ पे पूरी बंदोबस्त और व्यवस्था साथ ही मेडिकल कॉलेज ने भी कर रखी है। सारी निडिल और जितना भी वेस्ट है मेडिकल कॉलेज का यहाँ पे आपको पड़ा मिल जाएगा, और अच्छे से पन्नी में पैक करके फेंका गया है। सारा कुछ नज़ारा आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि आपने अस्पतालों में देखा होगा, कचरा फेंकने के लिए हम अलग अलग कलर की पन्नियाँ इस्तेमाल करते हैं। गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग, और मानव अंग वाला कचरा अलग अलग पन्नियों में, अलग अलग कलर में हम रखते हैं, जिससे उसको हम प्रॉपर तरीके से अलग अलग उसी पर्टिकुलर जगह में हम डिकम्पोज कर सकें। लेकिन आपने यहाँ पर देखा, सारे तरह के कचड़े एक ही जगह पर रखे हुए हैं, किसी तरीके से इसको ना तो जलाया गया है ना तो डिकम्पोज किया गया है। अगर आप ये नीडल्स देखें जो पड़ी हुई हैं, अगर इसको गाय खा लें तो तुरंत इनकी मौत हो जाए। और आप देख रहे हैं इतने बड़े एरिया में हर जगह प्लास्टिक पॉलीथीन और कचरा है, और सैकड़ों की संख्या में गाय बैल हैं, और गाय बैल में जो बीमारी का मुख्य कारण है प्लास्टिक पॉलीथीन का खाना है। गाय बैल पन्नी और कचरा जब खा लेती हैं तो पन्नी और प्लास्टिक पचता नहीं है। तो जिला प्रशासन से यही निवेदन है कि जल्द से जल्द यहाँ पे चारों तरफ से फेंसिंग करा दी जाए जिससे गाय बैल डायरेक्ट अंदर यहाँ पे ना जा पाए। साथ में लोगों से भी अपील है कि यहाँ पे जो इतना सारा प्लास्टिक और पॉलीथीन का कचरा है, कहीं ना कहीं ये हमारा ही तो कचरा है जो नगर पालिका लाता है। तो आप सभी से प्रार्थना, सभी से अपील है कि हम प्रयास करें कि कम से कम प्लास्टिक और पॉलीथीन का इस्तेमाल करें, जिससे ये गाय बैल के लिए हम एक अच्छा वातावरण, अच्छा पर्यावरण दे सके। पहले आपने देखा होगा कि हम कचड़े में घूर बस होता था, घूर में गोबर, राख, लेकिन अब आप देखें तो पूरी तरीके से जैसा कोई कब्रिस्तान हो इस तरह से पूरा शहर पटा हुआ नजर आता है।